हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज बनाने जा रही हैं सेवई उपमा। इसके लिए मैं सेवई ली हूँ। इससे एक कप इसमें ऐड कर लेंगे सेवैयों को। एक कप सेवैयाँ ले रही हूँ मैं। सेवैयों को साइड में रख के हम एक पैन रख चुकी हूँ मैं। तेल ऐड कर लेंगे। इसमें एक टेबल चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ मैं। क्वांटिटी को पकड़ के आप तेल कम या ज़्यादा कर सकते हो। सेवई उपमा में थोड़ा तेल कम ही लगता है। इसको तेल को गर्म होने देंगे हम। तेल गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी राई ऐड कर लेंगे। आपको अगर जीरे का फ्लेवर अच्छा लगता है तो जीरा भी थोड़ा ऐड कर सकते हो तड़के में आप। राई को फूटने देंगे हम। राई थोड़ा फूटने के बाद एक आधा स्पून चना दाल, आधा स्पून उड़द दाल ले रही हूँ मैं। इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको हल्के ब्राउन कर लेंगे हम। हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इसमें एक मीडियम से इसका प्याज चॉप करके रख लिया हूँ। इसको ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद एक तीन हरी मिर्चें, थोड़ा करी पत्ता ऐड कर देंगे। इसी के साथ एक आधा कैप्सिकम ऐड करके रखी हूँ, उसको भी ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको कम से कम एक से दो मिनट तक तल लेंगे हम। आप चाहे तो इसमें कैरेट और बीन्स को भी बारीक बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हो। रोस्ट होने के बाद हम देखिए अभी इसमें एक आधा टमाटर, थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। क्वांटिटी कम बना रही हूँ मैं, इसके लिए कम कम चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप क्वांटिटी बढ़ा के थोड़ी चीज़ों को भी, मसालों को भी बढ़ा सकते हो। बस एक सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं है टमाटर, क्योंकि ऐसे भी सॉफ्ट हो जाएगा। एक से दो सेकंड तलने के बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जिस कप से सेवैयाँ ली थी ना, उसी कप से डेढ़ कप पानी लेना है। अगर एक कप सेवैयाँ लेंगे तो डेढ़ कप पानी लगेगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो ये पूरा ज़्यादा पानी ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा टेस्ट, और टेक्सचर भी इसका ख़राब हो जाएगा। डाल चुकी हूँ और आधा कप ऐड की रही हूँ मैं अभी। आधा कप ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर लेंगे। नमक एक स्पून ले रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा आप। इसमें उबाल आने देंगे हम, ढक के रखेंगे इसको 5 मिनट के लिए। उबाल आ चुका है, नमक चेक कर लीजिएगा। अगर नमक कम होगा तो ऐड कर सकते हैं समय पर। अभी सेवैयों को हम ऐड कर देंगे। सेवैयों को ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। देखिए मिक्स कर चुके हूँ। ढक्कन बंद करके इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। देखिए दोस्तों, 2 मिनट तक ढक के रखी थी इसको मैं। अब इसका ढक्कन निकाल चुके हूँ। देख सकते होंगे आप पर पानी बस थोड़ा थोड़ा रह गया है। अभी इसको लो फ्लेम रख के दम पे छोड़ दीजिएगा। पाँच मिनट तक लो फ्लेम में दम पे छोड़ दीजिएगा। दम हो जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएंगे सेवैयाँ। देखिए दोस्तों, अच्छे से दम हो चुका है ये। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। देख सकते होंगे आप। देखिए दोस्तों, मैं सर्व कर चुकी हूँ और टमाटर के अचार के साथ इसके ऊपर नींबू डाल के भी आप खा सकते हो। बहुत आसान रेसिपी है दोस्तों। टमाटर के अचार की रेसिपी भी अपलोड कर चुकी हूँ मैं चैनल पे, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।